सो फ्रेंड्स चलिए हम टाइप थ्री प्रॉब्लम को देखते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या होगी उसे हम डिराइव करेंगे और फिर फाइनली उस शॉर्टकट को या उस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं ताकि अगर सिमिलर प्रॉब्लम्स आएगी तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे बहुत ही कम टाइम में। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक मैन है जो कि रो कर रहा है बोट इन स्टिल वाटर एट यू किलोमीटर पर आर इन अ स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग एट वी किलोमीटर पर आर इफ इट टेक्स हिम टी आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए पॉइंट है मान लीजिए ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। मान लीजिए रिवर भी आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो डायरेक्शन, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन हो गया। तो अगर मैन ए से बी की तरफ जा रहा है मीन्स वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है। सपोज यहां से इसके इसके बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है। तो मैन का स्पीड क्या है स्टील वाटर में या बोट की स्पीड, स्पीड इन स्टील वाटर क्या है, यू किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्ट्रीम स्पीड क्या है आपकी, वी किलोमीटर पर आवर। और उसे ये भी बोला है कि ए से बी जाने में और बी से ए आने में उसे टोटल जो समय लगा वो क्या है टी आवर्स। तो उसे ए से बी जाने में दैट मींस डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, टोटल डिस्टेंस आपका क्या है डी है, डिवाइडेड बाय आप डाउनस्ट्रीम स्पीड करेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी आपका यू प्लस वी, प्लस फिर बी से ए वो आ रहा है दैट मींस वो अपस्ट्रीम की तरफ आ रहा है। देखिए रिवर फ्लो डायरेक्शन इधर है दैट मींस डाउनस्ट्रीम आपका ये साइड है, फिर बी से वो आ रहा है दैट मींस अपस्ट्रीम की तरफ आ रहा है। आपकी डिस्टेंस क्या है डी, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा यू माइनस वी इज इक्वल टू टी। क्या बोला है टी आवर्स में वो ए से बी जा रहा है फिर वो बी से ए आ रहा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा डिस्टेंस क्या होगा, तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपकी आंसर आएगी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई टू यू, ये आपकी डिस्टेंस आएगी। तो अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, बहुत ही कम समय लगेगा। हम कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे वो हम एक प्रॉब्लम के साथ देखते हैं। तो मैन की जो स्पीड दी हुई है इन स्टिल वाटर वो क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिमिलरली रिवर की और स्ट्रीम की स्पीड क्या दी हुई है, वी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। उसे पॉइंट ए से सपोज पॉइंट ए है पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में सपोज डिस्टेंस आपकी क्या है डी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में और पॉइंट बी से पॉइंट ए आने में, सपोज ए से बी आपकी डायरेक्शन है डाउनस्ट्रीम, बी से ए है अपस्ट्रीम। सो ए से बी डाउनस्ट्रीम जाने में प्लस बी से ए अपस्ट्रीम आने में उसे टोटल जो टाइम लग रहा है वो क्या है 45 मिनट्स। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए आवर में, 45 बाई 60 विच कम्स आउट टू बी 3/4 आवर्स, ठीक है। तो हमें ये पूछा जा रहा है हाउ फार इज द प्लेस, ये डिस्टेंस डी हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने फॉर्मूला क्या देखी थी, डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई ऑफ ट्वाइस ऑफ यू, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है आपका यू, यू क्या दिया हुआ है आपका 6 स्क्वायर माइनस वी क्या दिया हुआ है 3 स्क्वायर इंटू टी, टी आपका क्या हुआ टाइम हुआ अपस्ट्रीम जाने में फिर डाउनस्ट्रीम आने में। तो टोटल टाइम जो हुआ ए से बी जाने में और बी से ए आने में वो क्या आपका 3/4 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ यू 2 × 6, ये क्या आएगी 36 माइनस 9 इंटू 3 और 4 इंटू 2 × 6 27 डिवाइडेड बाई
4 to 8 16 ये आएगी आपकी 1.6875 किलोमीटर्स आंसर, ये आपकी आंसर होगी। सो अगर हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको कन्वेंशनल अप्रोच ही बताया है कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अब इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम देने वाला हूँ, आप उसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपके आंसर पोस्ट कर दीजिएगा।